हम सभी ने यहाँ पुंछ में मन की बात प्रधानमंत्री की भी सुनी और उसके बाद ये मीटिंग की है, क्योंकि ये तीनों जो सेल्स हैं इनका अपने आपस में अपने में ही बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि पुंछ राजौरी ये बॉर्डर जिला है, यहाँ पर आतंकवाद, यहाँ पर जो जिसकी यहाँ की बॉर्डर की अपनी समस्याएं हैं, पाकिस्तान की तरफ से आए दिन जो है गोलाबारी होती रहती है, तो इसके लिए इन तीनों सेलों को स्ट्रेंथन करना, उनको ताकत देना और जो पार्टी का मकसद है उसके लिए हमें पार्टी ने जिम्मे लगाया था। और क्योंकि पुंछ राजौरी ये ऐसा इलाका रहा है जिसने हमेशा जो है मतलब देश के साथ एक जो है बिल्कुल एक सैनिक की तरह ये बॉर्डर के लोग खड़े रहे हैं, इनको काफ़ी नुकसान भी हुआ है, काफ़ी शहादतें भी हुई हैं, लेकिन जिस प्रकार का इनमें भाईचारा है, आपस में मिल तालमेल है, ये बहुत बड़ी बात है जिससे देख के हमें बहुत खुशी हुई है। और यहाँ के जो पहाड़ियों को जो मिला 4% का जो रिजर्वेशन मिली, पहाड़ी स्टेटस एसटी स्टेटस मिला है, उससे भी बड़े खुश हैं। तो एक मैं सभी को इनको बधाई भी देता हूँ और इनसे अपील करूँगा कि आप पार्टी से जुड़ें और पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के हाथों को मजबूत करें। हाँ बिल्कुल, ये लगभग मुझे लगता है आने वाले वक्त में सरकार इस पर फैसला देगी। हमने 8 सीटों की मांग रखी थी, लेकिन हो सकता है कि सरकार जो है कोई कार्रवाई हो रही है, आने वाले वक्त में इसको जो है मिल सकता है इस प्रकार की संभावना। देखिए वो प्रोसेस है, क्योंकि प्रधान अपने गृह मंत्री जी यहाँ आए थे, उन्होंने भी लोगों से बात की, डायरेक्ट बात की है, तो उनके बात की बात तो हमारे पास नहीं है, लेकिन डेफिनेटली उनको जो एसटी स्टेटस मिला है पहाड़ियों को, उनको अपने पूरे लाभ मिले इसके लिए सरकार जो है पार्टी जो है उसके लिए पीछे लगी हुई है। इसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है जम्मू कश्मीर में और कश्मीर काफी प्रॉब्लम है, लेकिन कई तरह के प्रोपेगेंडे उसमें हो रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए कांग्रेस के पास कोई जो है मुद्दा नहीं है, आज सुबह ही जो है ये कह रहे थे कि यहाँ सुरक्षा की वो नहीं है, कोई प्रबंध नहीं है, ये नहीं वो नहीं, यहाँ तक कि 26 जनवरी को जो है कांग्रेस ने अपनी यात्रा कैंसिल की और तिरंगा नहीं फहराया और आज वो माफ़ी मांग रहे हैं। अभी मेरा किसी नेशनल चैनल से बात हो रही थी तो वो माफ़ी मांग रहे हैं कि हमसे गलती हो गई। प्रधानमंत्री जो है उनको कोसते हैं, नरेंद्र भाई मोदी को कोसते हैं, केंद्र सरकार को कोसते हैं, RSS का नाम लेके उनको कोसते हैं, तो उनका इसमें क्या संबंध है? आप कहते हैं कि सुरक्षा के प्रबंध नहीं है, आप कहाँ से चले थे? कन्याकुमारी से। आप कितने दिन 4-5 दिन से जो है जम्मू में कश्मीर में हैं, तो आपकी अपनी कमजोरी के कारण आपने स्थगित की और अल्ज़ाम आप जो है उस पर लगाते हो, और जिस प्रकार से आप जोड़ने की बात कर रहे हो, आप तिरंगा जो है हमारा सिंबल है यूनिटी का उसको नहीं चढ़ाते हो, और आप कह रहे हो आप अनाप शनाप जो है बोलते हो, क्योंकि ये यात्रा बिल्कुल असफल रही है, लोगों का कुछ लोग तमाश भी आके उनको ज़रूर
उन्होंने देखने के लिए आए थे, लेकिन उनको इतना सहयोग नहीं मिला है। और गुपकार अलायंस और ये सारे इकट्ठे हुए वो लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर की जो हालत की है, जिसमें 42,000 जहाँ जो लोग जो हैं मारे गए हैं जम्मू कश्मीर में, जिसमें हिंदू मुसलमान सिख सभी हैं और ज़्यादा मुसलमान हैं। मैं पूरे उसमें जितने अगर टोटल संख्या ली जाए तो ज़्यादा जो जिनका खून बहा है मुसलमानों का बहा है, जिनके लिए ये कहते हैं कि हम उनके लिए उनकी बात करते हैं। तो इसलिए लोग समझ रहे हैं और आज की बैठक और जिस प्रकार से मैं माहौल देख रहा हूँ वो बताता है कि लोग जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी को के ऊपर पूरा विश्वास करते हैं।